आज के सत्र के अध्यक्ष महोदय और मेरे भाई सरीखे श्री रवि कुमार रामा जी, आज के इस कार्यक्रम में मेरे ही तरह उपस्थित एक और प्रमुख वक्ता श्री चंद्र खान रामचंद्र जी और आज के सत्र में आने वाले एक और प्रमुख वक्ता श्री हिंदूचंद सामने है। मैं बहुत आभारी हूँ आयोजन समिति का जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और गैस कार्यक्रम का विषय हमारे क्षेत्रीय समाज को कितना धोखादायक है उसके बारे में बात करने का मौका मिला। मैं सबसे पहले भाई श्री रवि राणा का बहुत आभारी हूँ जिनके विशेष आग्रह पर मैं आपके बीच में हरिद्वार से आया था और उन्हीं के साथ डॉक्टर चौधरी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बार बार फोन करके मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर चौधरी और श्री रवि कुमार राणा जी दोनों के विशेष आग्रह और प्रेम भरे निमंत्रण पर मैं आपके बीच आता था। अपने भारत देश की सरकार ने सन 1995 में एक गैस करार नाम की अंतरराष्ट्रीय संधि की। 1995 में भारत सरकार ने जो गैस करार नाम की संधि की वो 1 जनवरी को हुई और 1 जनवरी 1995 से ये संधि संपूर्ण भारत देश में लागू हुई। इस संधि को भारत सरकार ने जब किया था उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे श्री पीवी नरसिम्हा राव और हमारे देश के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस समय संधि को लगे हुए स्थापित हुए चालू हुए करीब करीब 13 वर्ष हो गया और 13 वर्ष के बाद ये संधि आज जहां तक पहुंची है तो भारत में प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव स्वर्गवासी हो चुके हैं। जब ये संधि हमारी सरकार ने की गैर करार की तो हमारे देश की संसद में हमारी सरकार ने कुछ माहिती दी थी और उसमें से एक माहिती ये थी कि ये जो संधि हो रही है गैर करार की इससे हमारे क्षेत्रीय समाज को बहुत फायदा हुआ। हमारे देश के वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं और संधि के समय में जो वाणिज्य मंत्री थे उनका नाम है श्री प्रणब मुखर्जी जी। श्री प्रणब मुखर्जी ने संसद में 1 जनवरी को एक बयान दिया था और 1995 में उन्होंने कहा था कि इस संधि के लागू होने से भारत के शेतकरी समाज को बहुत लाभ होगा। इतना लाभ होगा कि हमारे शेतकरी समाज सभी श्रीमंत हो जाएगा। हमारे क्षेत्रीय के विषय में संधि के बारे में ये कहा गया था कि इस संधि को लागू करने से भारत की खेती का जो विकास दर है वो कम से कम 8 से 10% हो जाएगा। और एक माहिती दी गई थी वो ये कि ये संधि लागू होने से गैट करार लागू होने से भारत के शेतकरी समाज को डॉलर बहुत ज्यादा मिलेगा, विदेशी मुद्रा में उनकी आमदनी बहुत बढ़ जाएगी और विदेशी मुद्रा हमारे भारतवासियों को शेतकरी समाज को जास्ती मिलेगी तो शेतकरी समाज की गरीबी सब खत्म हो जाएगी। ऐसे करके इस संधि के बारे में और भी बहुत माहिती दी गई थी। भारत का विदेशी व्यापार बढ़ेगा और भारत का विदेशी व्यापार बढ़ के कम से कम 200 अरब डॉलर को क्रॉस कर जाएगा, विदेशी मुद्रा भंडार बहुत बढ़ जाएगा, भारत एक श्रीमंत और औद्योगिक देश हो जाएगा, संपूर्ण दुनिया में भारत की जय जयकार हो जाएगी, ऐसी बहुत सारी माहिती देकर ये संधि हमारी सरकार ने की थी। अब ये संधि किए हुए लगभग 13 वर्ष हो गए और संसद के बाहर भारत के लोगों को ये कहा गया था कि गैट करार लागू होने से खेती को और शेतकरी समाज को बहुत फायदा होगा, खेती का जो विकास दर है वो 8 से 10% हो जाएगा और शेतकरी समाज श्रीमंत हो जाएगा। और हमारे देश के शेतकरी समाज द्वारा जो उत्पन्न खेती की वस्तुएं हैं उनको बाजार में बहुत अच्छा भाव मिलेगा और अंतरराष्ट्रीय बाजार पेट हमारे लिए खुल जाएगा। हमारा जो भी खेती का उत्पन्न खराब हो जाता है हर वर्ष वो पूरे दुनिया के बाजार में बिकने लगेगा। ऐसी सारी अच्छी अच्छी बातें करके गैट करार को हमारी सरकार ने सही किया था। अब गैट करार सही हुए लगभग 13 वर्ष हो गए हैं, 13 वर्ष के बाद की स्थिति के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो सरकार ने कहा था अब वो 13 वर्ष के बाद कहां तक पहुंचा है। तो पहली माहिती जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये कि भारत सरकार ने जो खेती की विकास दर की बात की थी कि 8 से 10% हो जाएगी,
गैट करार लागू होने के 13 साल के बाद हमारी क्षेत्र की विकास दर अब सिर्फ 4% के आसपास है। और आपको जानकर यह दुख होगा कि जिस दिन गैट करार को सही किया गया था 1 जनवरी 1995 को, उस दिन हमारी क्षेत्र की विकास दर 4.8% थी। अब क्षेत्र की विकास दर 4% रह गई है, माने गैट करार लागू होने के 13 साल में क्षेत्र की विकास दर कम हुई है, बढ़ी नहीं। दूसरी एक माहिती दूं कि जब गैट करार सही हुआ था 1995 में, तो हमारे देश में ऐसी एक भी खबर नहीं थी कि शेतकरी समाज को आत्महत्या करनी पड़ती है। गैट करार लागू होने के अब 13 साल में हमारे देश के शेतकरी समाज के हजारों हजारों शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं। हम जहां विदर्भ में रहते हैं, विदर्भ में तो शायद ही कोई जिला बचा होगा, अमरावती है, फिर वर्धा है, फिर बुलढाणा है, फिर गढ़चिरौली है। विदर्भ के तो सारे जिले, एक भी जिला ऐसा बाकी नहीं है जहां शेतकरी समाज की आत्महत्या न हुई हो। और इस विदर्भ का एक बड़ा प्रतिनिधि समाचार पत्र है देशोन्नति। देशोन्नति ने तो बाकायदा एक मुहिम चला रखी है कि जब भी कोई शेतकरी आत्महत्या करता है, देशोन्नति वो अखबार है जिसके प्रथम पृष्ठ पर उसकी खबर छपती है। और वो काट काट कर मैं रखता रहता हूं, अभी तक हजारों शेतकरी आत्महत्या की खबर देशोन्नति के माध्यम से मेरे जैसे पाठकों को मिली है। और ये आत्महत्या हमारे शेतकरी समाज की विदर्भ में हो रही है, ये सिर्फ विदर्भ में नहीं है, आंध्र प्रदेश में भी शेतकरी समाज की आत्महत्या हो रही है, कर्नाटक में भी शेतकरी समाज आत्महत्या के रास्ते पर है, केरल में, तमिलनाडु में भी शेतकरी समाज आत्महत्या के रास्ते पर है। भारत के 12 से ज्यादा राज्यों से शेतकरी समाज के आत्महत्या करने की खबर मिलती है। 12 से ज्यादा राज्यों में शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं। बड़ा दुख है और अफसोस है, और ये शर्मनाक है कि गैट करार जब साइन किया गया, गैट करार जब इस देश में लाया गया 1 जनवरी 1995 से, उस समय तक हमारे देश में शेतकरी आत्महत्या की खबरें ना के बराबर थी। अब गैट करार लागू होने के 13 साल में शेतकरी समाज की आत्महत्या हजारों की संख्या में हो रही है। और आपको शायद याद होगा, एक बार तो शेतकरी समाज की आत्महत्या के प्रश्न पर परेशान होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री को विदर्भ की यात्रा करनी पड़ी थी और सेवाग्राम में आकर 2 दिन रुकना पड़ा था शेतकरी समाज के प्रश्नों को समझने के लिए। संसद में इतनी बार हंगामा हो चुका है शेतकरी आत्महत्या के सवाल पर। तो गैट करार लागू होने से शेतकरी समाज की आत्महत्या बढ़ी, गैट करार लागू होने से हमारे शेतकरी समाज का जो विकास दर है, खेती का विकास दर है, वो कम हुआ, 4.8% से अब 4% पे आ गया है। और अगले 1 साल का हमारे लोगों का अनुमान है, अर्थशास्त्रियों का, खेती की विकास दर अब 3% के आसपास 2009 के समाप्त होने तक रह जाएगी। उसके बाद हमारे देश की सरकार ने एक सर्वे कराया है जिसकी मैं माहिती आपके बीच में रखना चाहता हूं। गैट करार लागू होने के बाद भारत के शेतकरी समाज और साधारण लोगों पर उसका क्या फर्क पड़ा है, क्या अंतर आया है, उसके लिए एक सर्वे हुआ। हमारे देश में एक बहुत बड़े अर्थतज्ञ हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। वो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बहुत खास मित्र हैं और भारत देश में बहुत समय तक ऊंचे पदों पर रहे हैं। जब श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश में प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता लोकसभा के, सॉरी, हमारे देश के योजना आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसके ठीक नीचे उपाध्यक्ष। तो प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत बड़े अर्थतज्ञ हैं, बंगाल के बहुत समय तक वित्त मंत्री रहे हैं। ऐसे एक विद्वान व्यक्ति ने भारत सरकार का एक सर्वेक्षण पूरा किया है, 2006 जून में वो सर्वेक्षण छपा है, और उससे ये उन्होंने एक माहिती निकाली है कि गैट करार लागू होने के बाद भारत के साधारण लोगों की स्थिति और विशेष रूप से शेतकरी समाज की स्थिति बहुत खराब हुई है। उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं, उन्होंने बताया है कि गैट करार लागू होने के लगभग 12 साल में भारत के साधारण लोगों की गरीबी बहुत बढ़ी है, साधारण शेतकरी की गरीबी बहुत बढ़ी है। और उन्होंने गरीबी के आंकड़े दिए हैं, मेरे जैसे आदमी को हैरानी होती है, सारे देश को हैरानी है, 84 करोड़ लोग इस समय गरीबी की रेखा के इतने नीचे हैं कि जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपया नहीं है, गैट करार लागू होने के बाद की ये स्थिति है।
84 कोटि भारतवासी एक दिन में 20 रुपए खर्च नहीं कर सकते। आप जरा सोचिए, 115 कोटि का हमारा देश है, 115 कोटि में 84 कोटि लोगों के पास एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपया नहीं है। इसका सीधा मतलब है 84 कोटि लोगों की एक दिन की आमदनी 20 रुपए से कम है। और प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट को ही आगे मैं बता रहा हूं कि 50 कोटि लोगों की तो एक दिन की आमदनी 10 रुपए से कम, 50 कोटि लोग, और 25 कोटि लोगों की एक दिन की आमदनी 5 रुपए से कम है। और यह पिछले 12-13 साल में बहुत तेजी से हुआ है, गरीबी बहुत तेजी से बढ़ी है। फिर हमारे देश के प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता की ही कमेटी की रिपोर्ट है, वो ये कहते हैं कि गैट करार लागू होने के बाद छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, छोटे छोटे जो रोजगार करने के काम होते थे, वो बहुत तेजी से कम हुए हैं। छोटे उद्योग धंधे रोजगार देने वाले सारे तंत्र धीरे धीरे खत्म हुए। और एक दो माहिती देता हूं, गैट करार लागू होने के 12 साल में हमारे देश का खेती का जो निर्यात है वो बहुत तेजी से गिरा है। हम जो खेती का निर्यात करते थे 1995 में, उस निर्यात से हमारी जो कुल आमदनी होती थी, आज वो आमदनी हमारी 20-25% कम हो चुकी है खेती से होने वाली आमदनी। और ये आमदनी कैसे कम हुई है, 1995 में जब ये गैट करार लागू हुआ था तब $1 ₹36 का था। अब गैट करार लागू हुए लगभग 12-13 साल हो गया, अब $1 लगभग ₹50 के बराबर है। तो हमारा मतलब क्या हुआ कि पहले हम खेती का कोई भी वस्तु ₹36 का बेचे तो हमें $1 की इनकम होती थी, अब 2009 में खेती की ₹50 की वस्तु बेचते हैं तब $1 की इनकम होती है। माने वस्तु हमारी जास्ती जाती है, डॉलर हमारे पास उतना ही आता है जो 1995 में आता था। अगर आप इसको टक्केवारी में निकालेंगे तो ₹36 से अब ₹50 हो गया, लगभग डॉलर की पोजीशन में 25-30% की गिरावट आई है। और यही गिरावट हमारे खेती से होने वाली आमदनी में भी आई है, और इसी गिरावट के कारण हमारे शेतकरी समाज को गरीबी और ज्यादा आई है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि गैट करार लागू होने से ये शेतकरी समाज और खेती को नुकसान हुआ कैसे। मैं आपको एक छोटी सी माहिती देता हूं, गैट करार की बहुत सारी शर्तें हैं। गैट करार का मैंने बहुत अभ्यास किया लगभग 10-12 साल, और उस अभ्यास के बाद सारे देश में मैंने 10,000 से ज्यादा व्याख्यान दिए गैट करार पर। गैट करार एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसमें 155 देशों ने सही किया है। इसमें से 20-25 देश हैं जो बहुत श्रीमंत हैं, जैसे अमेरिका है, जैसे कनाडा है, जैसे ब्रिटेन है, जैसे फ्रांस है, जैसे जर्मनी है, जैसे स्विट्जरलैंड है, जैसे स्वीडन है। ऐसे 20-25 देश बहुत श्रीमंत हैं जो गैट करार में सही किए हैं, और बाकी के 125 देश बहुत गरीब हैं। बहुत गरीब देशों में जैसे बोत्सवाना एक देश है, बहुत ही गरीब देश है, अफ्रीका का देश है, बहुत ही गरीब है। वहां तो पूरे देश की सकल आमदनी की जब बात की जाती है तो एक आदमी की आमदनी रुपए में जब गिनी जाती है तो 1.5-2 रुपए से कम पड़ती है उनके यहाँ। तो बोत्सवाना है, अफ्रीका के छोटे छोटे देश है, नाइजीरिया है, सोमालिया है, इथियोपिया है, फिर उसके बाद लैटिन अमेरिका के देश हैं, ब्राजील है, मेक्सिको है, चिली है, कोस्टारिका है, कोलंबिया है, फिर और साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं। तो 125 देश तो बहुत गरीब है, और 25 देश हैं जो बहुत श्रीमंत हैं। उनकी श्रीमंताई का अंदाजा आप लगा सकते हैं, अमरीका जैसा श्रीमंत देश अपने शेतकरी समाज को दर वर्षी $400 अरब की सब्सिडी देता है, $400 अरब $400 अरब अमेरिका की सरकार अपने शेतकरी समाज को सब्सिडी देती है। इस सब्सिडी का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो क्या है। अगर अमेरिका का कोई शेतकरी खेती करे और खेती में वो ये कहे कि मेरे पास $1 का उत्पन्न है, अमेरिका का कोई शेतकरी $1 का उत्पन्न अगर अपने क्षेत्र में करता है तो अमेरिका की सरकार उस $1 के उत्पन्न को अमेरिका से शेतकरी से $400 देकर खरीद लेती है, $400 देके खरीद लेती है। $1 का उत्पन्न वो $400 देके खरीद लेते हैं, माने शेतकरी को उत्पन्न से 400 पट जास्ती मुनाफा वो दे देते हैं। अब वो उत्पन्न को फिर वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिक्री करते हैं,
और उस बिक्री के कारण वो सस्ता हो जाता है क्योंकि सरकार के पैसे बहुत लग गए हैं उसमें। तो अमेरिका के शेतकरी का जो शेत उत्पन्न है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत सस्ता आके बिकने लगता है। भारत में इसका उल्टा होता है। भारत की सरकार शेतकरी को सब्सिडी तो देती नहीं है, माननीय शरद जोशी के हिसाब से अगर कहूं तो निगेटिव सब्सिडी देती है। शेतकरी संगठन वाले यहां बैठे हैं उनके हिसाब से कहूं, उनका बड़ा अच्छा कैलकुलेशन है कि सब्सिडी तो देती नहीं, निगेटिव सब्सिडी है हमारे यहाँ, माने शेतकरी से उल्टा खींच लेती है हमारी सरकार, शेतकरी को तो देती नहीं है। तो यहाँ के शेतकरी को तो कोई खास सब्सिडी है नहीं, और अमेरिका के शेतकरी को $400 अरब साल की सब्सिडी है। आप सोचेंगे कि इतने असंतुलित जमाने में कैसे शेतकरी खड़ा रहे। हमारा शेतकरी खेती करता है, कर्ज लेता है, बैंक से कर्ज लेता है, बैंक के बाद उनकी सहकारी पद संस्थाओं से कर्ज लेता है, सहकारी पद संस्थाओं का कर्ज 14-15% के ब्याज पर पड़ता है, बैंक का कर्ज भी 7-8% के ब्याज पर पड़ता है, और अमेरिका का शेतकरी जब कर्ज लेता है बैंक से तो उसको ब्याज ही नहीं देना पड़ता, और उनके यहां तो निगेटिव ब्याज होता है, माने सरकार अपनी तरफ से शेतकरी को मदद करती है। तो अमेरिका का शेतकरी बिना ब्याज के कर्ज लेके खेती करता है, भारत के शेतकरी को ब्याज भर के खेती करनी पड़ती है, ब्याज देनी पड़ती है अपने कर्जे पर, और भारत का शेतकरी सबसे जास्ती ब्याज देता है कर्जे पर, जो कोई नहीं देता इस देश में। अभी 3-4 साल पहले तक तो भारत के शेतकरी को 14% का ब्याज था हमारे देश में, और सहकारी पद संस्थाओं में तो 18-20% का ब्याज था, और अगर प्राइवेट मनी लेंडर से वो कर्ज लेता है तो ब्याज का दर 100% भी हो सकता है, 150-200% भी हो सकता है। तो भारत का शेतकरी बहुत ज्यादा ब्याज लेके, बहुत ज्यादा ब्याज देके कर्ज लेता है, अमेरिका के शेतकरी को ब्याज ही नहीं भरना पड़ता। भारत का शेतकरी अपनी वस्तुएं सरकार को बेचता है तो सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार भाव से भी कई बार सस्ती कीमत पर खरीदी कर लेती है, वहां भी शेतकरी मार खा जाता है। फिर अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिका की सरकार अपनी शेतकरी को एक्सपोर्ट सब्सिडी देती है और भारत की सरकार ऐसी कोई सब्सिडी नहीं देती है, तो अंत में निर्णय क्या आता है, अंत में फैसला जहां जाता है या बात जहां जाके रुकती है वो ये कि भारत के शेतकरी का माल अंतरराष्ट्रीय बाजार में जाते जाते महंगा हो जाता है, क्योंकि यहां ब्याज ज्यादा देनी है, सरकार की तरफ से एक्सपोर्ट सब्सिडी भी नहीं है, और सरकार को शेतकरी समाज की अगर टोटल सब्सिडी है तो वो निगेटिव है। इन तीनों बातों से मिलकर भारत के शेतकरी का कोई भी उत्पन्न अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगा होता है, और अमेरिका और कनाडा और यूरोप के शेतकरी का उत्पन्न अंतरराष्ट्रीय बाजार भाव बाजार पेट में सस्ता होता है। अब सस्ता उत्पन्न है तो जास्ती बिकेगा, महंगा उत्पन्न है तो कम बिकेगा, यही चक्कर में भारत के शेतकरी समाज की वस्तुएं अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम बिकती है, और फिर अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब शेतकरी समाज की वस्तुएं कम बिकती है तो उसका दोनों तरफ दो ऋणात्मक प्रभाव आता है। पहला तो माल कम जाता है, दूसरा शेतकरी को आमदनी कम होती है। इसके विपरीत दूसरे देशों के शेतकरी को जब ज्यादा सब्सिडी वाला माल भारत में आके बिकता है, क्योंकि WTO की एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार कोई भी देश के खेती का माल किसी भी देश में जाकर आसानी से बिकेगा, तो अमेरिका का शेत उत्पन्न भारत में आके बिक सकता है, यूरोप का शेत उत्पन्न भारत में आके बिक सकता है, तो अमेरिका और यूरोप के देशों की कापूस आके भारत में बिकना शुरू हो गई है। अब अमेरिका की कापूस और यूरोप की कापूस भारत में आके बिकती है तो उसका बाजार भाव 1500 रुपए 1600 रुपए क्विंटल के आसपास होता है, और भारत के शेतकरी समाज की जो कापूस होती है खराब से खराब कापूस 1700-1800 रुपए क्विंटल की होती है, तो भारत की शेतकरी की कापूस महंगी और अमेरिका के शेतकरी की कापूस सस्ती, तो भारत के बाजार में भी अब विदेशी कापूस जास्ती बिकती है, तो कापूस उत्पन्न करने वाले शेतकरी समाज की कापूस कम बिकती है। एक तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भाव कम मिलता है, दूसरे अपने ही देश के बाजार में कापूस कम बिकती है, दोनों का ही दुष्परिणाम ये होता है कि कापूस उत्पन्न करने वाले शेतकरी को आमदनी कम होती है, और वो आमदनी उसके खर्चे से भी कई बार कम होती है, तो बैंक का खर्चा इतना लागत बढ़ जाती है कि वो कर्जे में डूब जाता है और अंत में आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। हमारे देश में टाटा इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च कराया, सर्वे कराया विदर्भ शेतकरी समाज की आत्महत्या के विषय, तो उसमें पता चला कि बहुत सारे कापूस उत्पन्न करने वाले विदर्भ के जो शेतकरी हैं उनका जो कापूस उत्पन्न का खर्चा है उससे कम कीमत पर उनकी कापूस बिक रही है बाजार की। खर्चा आता है 1700 रुपए क्विंटल, खर्चा आता है 1800 रुपए क्विंटल, और कापूस बिकती है 1500 रुपए क्विंटल, 1400 रुपए क्विंटल, 1350 रुपए क्विंटल, ऐसी स्थिति हमारे यहां।
और एक समय क्या आता है कि जब आप खर्चा ज्यादा करें खेती में और उत्पन्न आपका ना बिके उस भाव से जिस भाव का खर्चा आपने किया, तो हर समय आप घाटे घाटे और घाटे की खेती करें और घाटे की खेती की पूर्ति करने के लिए बैंक से कर्जा लें और बैंक के कर्जे को ब्याज देने के लिए कर्जा लें, फिर कर्ज का ब्याज और ब्याज का कर्ज, यही चक्कर में किसान आत्महत्या कर ले, ऐसी हालत हमारे यहाँ है। दूसरी एक समस्या गेट करार के बाद जो हमारे यहाँ पैदा हुई कि जब से परदेश के श्वेत उत्पन्न भारत के बाजार में आसानी से बिकने लगे हैं, हमारे शेतकरी ने उन उत्पन्न को करना ही कम कर दिया है। आपको सुन के अफसोस होगा और मुझे बहुत दर्द है ये कहते हुए कि भारत के बाजार पेट में मलेशिया की दाल बिकती है, भारत के बाजार पेट में इंडोनेशिया की दाल बिकती है, भारत के बाजार पेट में चाइना का लहसुन बिकता है, भारत के बाजार पेट में ईरान का आलू बिक रहा है, भारत के बाजार पेट में अमरीका का सेब बिक रहा है, सफरचंद जिसको हम कहते हैं एप्पल, भारत के बाजार पेट में न्यूजीलैंड का केला बिक रहा है, माने दुनिया भर के हजारों श्वेत वस्तुएं, कृषि वस्तुएं भारत के बाजार में आके बिकने लगी है। अब जिन वस्तुओं को अपना शेतकरी उत्पन्न करता था, वही वस्तुएं जब विदेशों के बाजार से आकर अपने बाजार में बिकने लगेंगी, तो भारत के शेतकरी के लिए बाजार कम होता गया, और बाजार कम होता गया तो फिर शेतकरी को आमदनी में कमी आ गई, और फिर वो आमदनी की कमी शेतकरी की गरीबी को बढ़ा गई। आज से 10-12 साल पहले हम ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि भारत के बाजार में चाइना का लहसुन मिलेगा, ईरान का आलू मिलेगा, अमेरिका का सफरचंद मिलेगा, न्यूजीलैंड का केला मिलेगा, या मलेशिया इंडोनेशिया जैसे देशों की दालें मिलेंगी। एक छोटा सा देश है हमारे पड़ोस में बर्मा, उसकी सबसे ज्यादा दाल आके यहाँ बिकती है, अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, बर्मा जैसे देश की अंधाधुंध बिकती है। और समस्या क्या आती है, भारत के शेतकरी की दाल का भाव 3500 रुपए क्विंटल, तो बर्मा की दाल का भाव 2700 रुपए क्विंटल, 2800 रुपए क्विंटल। अब 3500 रुपए क्विंटल भारत के शेतकरी की दाल, 2700 रुपए क्विंटल बर्मा की दाल, तो हमारे देश के जो व्यापारी हैं उनको मुनाफा जास्ती चाहिए, तो वो क्या करते हैं, बर्मा की दाल खरीदते हैं, अंधाधुंध बेचते हैं। मैं कल जलगांव में था, यहां आने के लिए मैं कल जलगांव से ट्रेन पकड़ा था, सॉरी सवेरे जलगांव से ट्रेन पकड़ा था, कल रात जलगांव में रुका था। आप जानते हैं जलगांव बहुत बड़ा बाजार है दाल का, मेरे एक बहुत नजदीकी दोस्त है जो दाल की प्रोसेसिंग करते हैं, मूंग की दाल की प्रोसेसिंग करते हैं। मैंने कल उनसे पूछा क्या हाल है बाजार का, तो उन्होंने कहा राजीव भाई 2-2.5 साल हो गए हैं हिंदुस्तान की मूंग की दाल बाजार में नहीं है, 2-2.5 साल हो गए। मैं बोला फिर किसकी है, तो उन्होंने कहा सारी मूंग की दाल बर्मा से आकर बिक रही है। तो मैं बोला 2.5-3 साल पहले क्या होता था, तो वो बोल रहे थे कि 2.5-3 साल पहले उत्तर प्रदेश की दाल आती थी यहां पर बिकने के लिए, बिहार की दाल आती थी यहां पर बिकने के लिए, बंगाल की दालें आती थी बिकने के लिए, उत्तराखंड की दालें आती थी बिकने के लिए, 2.5-3 साल से दालें ही नहीं नजर आ रही है, हिंदुस्तान की सारी बर्मा की दाल आती है बिकने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर बर्मा की दाल आ रही है बिकने के लिए जलगांव में, तो फिर जलगांव में बाकी भारतवासियों की दाल नहीं बिक रही, तो उनकी दाल का क्या हुआ, वो कहीं दूसरी जगह बेच रहे हैं? तो उन्होंने कहा बेच नहीं रहे हैं, दाल पैदा करना ही बंद कर दिया है उन्होंने। हमारे देश के हजारों नहीं लाखों लाखों शेतकरी जो 2.5-3 साल पहले तक दाल पैदा करते थे, उन्होंने 2.5-3 साल से दाल पैदा करना ही कम कर दिया है, और सरकार अब चिंता कर रही है कि दाल का क्षेत्रफल इस देश में घट रहा है, दलहन का क्षेत्रफल इस देश में घट रहा है। अब शेतकरी कहते हैं हम क्या करें, हमारी दाल को भाव नहीं है, विदेशी दाल 2700 रुपए क्विंटल में व्यापारी खरीद लेता, हमारी कौन खरीदेगा 3500 रुपए क्विंटल में, तो वो कहते हैं भाव नहीं है तो दाल पैदा करना कम कर दिया। इसी तरह की स्थिति तिलहन के क्षेत्र में है, तिलहन हिंदुस्तान के शेत बाजार में इस समय सबसे ज्यादा विदेशी तेल बिक रहा है। आप सभी जानते हैं कि एक मलेशिया नाम का छोटा सा देश है, उस देश का एक तेल है जिसका नाम है पामोलिन तेल, वो पामोली तेल सबसे ज्यादा भारत के बाजार में है, सबसे ज्यादा, 1-2 टन नहीं लाखों टन में है, करोड़ों टन में है पामोलिन तेल जो भारत के शेत बाजार में आ गया। अब पामोलिन तेल आके बिकने लगा, अब पामोलिन तेल का भाव भारत में आके पड़ता है 20-22 रुपए लीटर, और शेतकरी समाज जो उत्पन्न करके तेल देता है वो है 40 रुपए लीटर।
अब भारत का शेतकरी सरसों का तेल करे 40 रुपए लीटर, नारियल का तेल करे 60 रुपए लीटर, तिलहन का तेल पैदा करे 90 रुपए लीटर, तो भारत में 40, 60 और 90 रुपए लीटर के आसपास तेल का भाव है, और विदेशी पाम तेल मिलता है 20 से 22 रुपए लीटर। तो सारे भारतवासी जो तेल बनाने वाले उद्योगपति हैं, वो सब पामोलिन तेल धड़ल्ले से लाखों लाखों टन में इंपोर्ट कर रहे हैं, और उस पामोलिन तेल को भेड़सेड़ करके मिलावट करके आपको बेच रहे हैं। आप बाजार से डिब्बाबंद जितना भी तेल लाके खाते हैं वो सब पाम तेल है। और आपको सुनकर हैरानी होगी, 4-5 साल पहले तक इस देश में ऐसा कानून था कि पाम तेल किसी भी दूसरे तेल में मिला के नहीं बेचा जा सकता। गेट करार और WTO के दबाव में अब कानून ऐसा है कि पाम तेल किसी भी तेल में मिला के बेचा जा सकता है। अब पाम तेल आ गया, वो वेजिटेबल ऑयल के साथ मिला के बेचा जा रहा है। आप बाजार से तेल खरीद के लाते हैं, किसी भी नाम का तेल खरीदो, रिफाइंड तेल के नाम से और डबल रिफाइंड तेल के नाम से बाजार में जितना भी तेल मिल रहा है वो सब पामोलिन तेल है। अब पामोलिन तेल हम खा रहे हैं, शेतकरी समाज खा रहा है। क्यों? क्योंकि शेतकरी समाज जो तिलहन पैदा करके बेचता था, शेतकरी समाज जो सरसों का तेल पैदा करके देता था या नारियल का तेल, उसको भाव नहीं है, तो उन्होंने तिलहन पैदा करना कम कर दिया है। तो भारत में तिलहन का क्षेत्रफल भी लगातार घटता चला जा रहा है। दालें पैदा करना कम कर दिया, तिलहन पैदा करना कम कर दिया, तेल का उत्पन्न इस देश में कम हो गया, तो विदेशों से पाम तेल आकर बिकने लगा। अब वो पाम तेल के दो दुष्परिणाम है, एक तो जो शेतकरी नारियल करते थे, जो शेतकरी तिल पैदा करते थे, जो शेतकरी सरसों पैदा करते थे, उनको नुकसान। दूसरा नुकसान देश के खाने वाले लोगों को, जो पाम तेल खाएगा, मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं, तुरंत हार्ट अटैक से मर जाएगा। क्योंकि पाम तेल के बारे में सारी दुनिया के जो रिसर्च हुए हैं वो ये बताते हैं, और ये डॉक्टर चौधरी के लिए मैं कहता हूं कि पाम तेल में सबसे ज्यादा ट्रांस फैट्स है, सबसे ज्यादा। और ट्रांस फैट्स वो फैट्स हैं जो कभी भी बॉडी में डिसॉल्व नहीं होते, किसी भी टेम्परेचर पर डिसॉल्व नहीं होते। और ट्रांस फैट्स जब बॉडी में डिसॉल्व नहीं होते तो फैट बढ़ता जाता है। और आपने सुना होगा कि जब फैट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तभी हृदयघात आता है और आदमी मर जाता है। जब फैट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तभी ब्रेन हेमरेज होता है और आदमी पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। जब ट्रांस फैट्स बहुत बढ़ जाते हैं शरीर में, तभी शरीर में ऐसे भयंकर दुष्परिणाम होते हैं। डायबिटीज बढ़ती है, हाइपरटेंशन बढ़ता है, जिसको BP आप कहते हैं, हार्ट अटैक आता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ऐसे खतरनाक रोग जिनमें शरीर का हमेशा के लिए भयंकर दुष्परिणाम हो जाए या हमारे शरीर का भयंकर नुकसान हो जाए, ऐसे रोग भी सारे के सारे पाम तेल के दुष्परिणाम ही है। पाम तेल दुनिया में कोई नहीं खाता भारत को छोड़कर। मलेशिया जिस देश से पाम तेल भारत में आता है WTO करार के बाद, वो मलेशिया खुद पाम तेल नहीं खाता। मलेशिया में पाम तेल का जास्ती से जास्ती उपयोग होता है उद्योग धंधों में, लेकिन वो पाम तेल गेट करार के बाद भारत में भयंकर पैमाने पर बेचा जा रहा है। तेल का बाजार पूरी तरह से अब विदेशियों के कब्जे में चला गया। तो एक तरफ अपना शेतकरी नुकसान पाता है, दूसरी तरफ लोगों को भी तकलीफ आती है। और इसी तरह गेट करार की एक खतरनाक शर्त ने हमारे देश को एक और बड़े खतरे में डाल दिया। हमारे देश में पहले एक कानून था कि जो बीज होता है, सीड्स जो होता है, वो सीड्स पर किसी का पेटेंट नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में ऐसी मान्यता रही है कि ये जो बीज है वो भगवान की देन है, प्रकृति की देन है, ईश्वर ने बनाया, परमपिता परमात्मा ने बनाया, इसको आदमी ने नहीं बनाया। तो इसलिए यह माना जाता है कि बीज जो होता है, सीड्स जो होते हैं, वो परमपिता परमात्मा की देन है, ईश्वर की देन है, उस पर मनुष्य का अधिकार नहीं है, इसलिए वो पेटेंट के दायरे के बाहर है, उनको पेटेंटेबल नहीं माना जाता इस देश में। अब गेट करार ने शर्त बदल दी। गेट करार की शर्त ये हो गई है कि सभी बीज अब पेटेंट के दायरे में आ गए। पहले हमारे यहां बीज होते थे डिस्कवरीज, डॉक्टर साहब, चौधरी साहब, पहले बीज होते थे सब डिस्कवरीज, अब पेटेंटेबिलिटी की दायरे में आने के बाद बीजों को सरकार ने इन्वेंशंस जैसा मानना शुरू कर दिया। और खतरनाक स्थिति यह बना दी है कि डिस्कवरीज और इन्वेंशंस बोथ आर पेटेंटेबल इन अवर कंट्री नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस गेट एग्रीमेंट। ये गेट करार के आधार पर अब डिस्कवरीज भी पेटेंटेबल हैं, इन्वेंशंस भी पेटेंटेबल हैं। तो सीड और बीज जो पहले पेटेंट के दायरे के बाहर थे, अब वो पेटेंट के दायरे में आ गए।
जब बीज पर पेटेंट नहीं होता और बीज पर पेटेंट होता है उसमें फर्क क्या होता है, मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। पेटेंट का माने होता है पूरा अधिकार उत्पादन करने का, बेचने का और मुनाफा कमाने का। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मेरे हाथ में एक पेन है, अगर मैं ये कहता हूं कि ये पेन पर मेरा पेटेंट है, इसका मतलब ये है कि इस पेन को मैं ही बनाऊंगा और मैं ही बेचूंगा और मैं ही मुनाफा कमाऊंगा, दूसरी कोई कंपनी इस पेन को ना बना सकती है, ना बेच सकती है, ना मुनाफा कमा सकती। अगर मैं ये कहता हूं कि इस पेन पर मेरा पेटेंट नहीं है और किसी का भी पेटेंट नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि इस पेन को कोई भी कंपनी बनाएगी, कोई भी कंपनी बेचेगी, कोई भी कंपनी मुनाफा कमाएगी। अगर इस पेन पर पेटेंट नहीं है तो इस पेन को बनाने वाली हजारों कंपनी होंगी, और अगर इस पेन पर पेटेंट है तो इसको बनाने वाली एक ही कंपनी होगी। अब अगर हजारों कंपनी ये पेन बनाती है तो आप सोचो उन हजारों कंपनियों में आपस में प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, तो ये पेन सस्ते से सस्ता मिलेगा। लेकिन कोई एक कंपनी अगर ये पेन बनाती है तो उसकी अकेले की मोनोपोली है, अकेले का एकाधिकार है, तो वो जितने चाहे उतने रुपए में बेचेगी और जितना चाहेगी उतना मुनाफा इस पेन पर वो कंपनी कमाएगी। अब हमारे यहां बीज के क्षेत्र में ऐसा हो गया। पहले ऐसा होता था कि हमारे शेतकरी समाज बीज बनाते थे और बीज से बीज हमारे यहां हजारों साल से बनता चला आया। हमारे यहां परंपरा ऐसी रही है कि एक बार हमने खेती की, खेती में बियारण डाला, उस बियारण से उत्पन्न आया, उस उत्पन्न में से थोड़ा बियारण हमने अगले साल की खेती के लिए रख लिया, फिर उसको बियारण के रूप में डाला, फिर उत्पन्न आया, फिर तीसरे साल के लिए हमने बियारण उसमें से निकाल लिया, फिर चौथे साल के लिए, इस तरह से बियारण से बियारण, बीज से बीज बनता था। इसको सीड मल्टीप्लीकेशन कहा जाता है और ये भारत में हजारों साल पुराना है। इससे खेती के हजारों बीज विकसित हुए हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, भारत दुनिया में अकेला देश है जहां की खेती में 150,000 से ज्यादा चावल के बियारण रहे। 150,000 बीज चावल के, सीड्स 150,000। गेहूं के हजारों किस्म इस देश में रहे, कापूस के सैकड़ों किस्म इस देश में रहे, ऊस के सैकड़ों किस्म इस देश में रहे। तो बीज में विविधता बहुत रही है और उस विविधता के आधार पर ये बीज बनते रहे और भारत में बिकते रहे। अब हमारे यहां क्या हो गया, गेट करार की शर्त के बाद पेटेंट का दायरा आ गया बीज में। अब व्यवस्था ऐसी हो गई है कि कोई एक कंपनी बीज बनाएगी, जितने साल उसका पेटेंट बीज पर रहेगा दूसरी कोई कंपनी वो बीज नहीं बनाएगी, एक ही कंपनी का बीज है जो आपको खरीदना पड़ेगा और उपयोग करना पड़ेगा। परिणाम क्या हुआ, अमेरिका की बड़ी बड़ी बीज कंपनियां आ गई। एक अमेरिका की कंपनी आ गई, उसका नाम है पाइनियर। दूसरी अमेरिका की कंपनी आ गई, उसका नाम है सीजेंटा। तीसरी अमेरिका की कंपनी आ गई, एली लिली। चौथी एक यूरोप की कंपनी आ गई, यूनिलीवर। ऐसी बीसियों बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बीज के क्षेत्र में आ गई और उन्होंने भारत के शेतकरी समाज के विकसित किए हुए बीज को अमेरिका और यूरोप में पेटेंट करवाना शुरू कर दिया और उस पेटेंट के आधार पर भारत में धंधा शुरू कर दिया। बहुत दुख होता है और अफसोस होता है मुझे कहते हुए कि भारत के छत्तीसगढ़ प्रांत में चावल का बियारण जो हजारों साल से चलता आ रहा था उस पर अभी पेटेंट अमेरिका की सीजेंटा कंपनी का है। इसी तरह से भारत के कापूस के बहुत सारे बियारण जो हजारों साल से शेतकरी समाज ने विकसित किए उस पर अमेरिकन कंपनियों ने पेटेंट एप्लीकेशन दे रखे। तो हमारे बियारण और अब विदेशी कंपनियों के पेटेंट के दायरे में। इस पेटेंट के दायरे का मतलब मैंने आपसे कहा कि बीज पर अगर किसी कंपनी का 20 साल का पेटेंट है तो वो कंपनी 20 साल तक उस बीज को बेचेगी और 20 साल तक उस पर मुनाफा वो कमाती रहेगी। भारत का कोई भी शेतकरी अगर उस बीज को बनाकर बेचने की कोशिश करेगा तो वो अमेरिकन कंपनी उस शेतकरी के खिलाफ मुकदमा करेगी और शेतकरी को जेल में डाल दिया जाएगा, उसको हथकड़ियां लगाई जाएंगी और उसको नॉन वेलेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया जाएगा। अब सोचो, मैं हजारों साल से एक बियारण बनाता हूं, अपने खेत में वापरता हूं, उसी पर अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट ले लिया, तो बियारण का सारा कंट्रोल अमेरिकन कंपनी के हाथ में चला गया, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं रह गया। तो परिणाम क्या होगा, शेतकरी समाज जो बीज से बीज बनाता था और बीज के उत्पादन में स्वावलंबी होता था, अब वो शेतकरी समाज का सारा स्वावलंबन खत्म हो रहा है और वो सारा का सारा बीज अब मल्टीनेशनल कंपनी के कंट्रोल में चला गया।
अब उसका परिणाम क्या हुआ, जब मल्टीनेशनल कंपनी के कंट्रोल में बीज चला गया तो बीज का भाव बढ़ गया। जो बीज पहले आपको 40, 50, 60 रुपए किलो मिल जाता था, अब उस बीज की कीमत हो गई 10,000 रुपए किलो, 15,000 रुपए किलो, 20,000 रुपए किलो, 25,000 रुपए किलो। आप यहां पर कोई शेतकरी भाई हैं जो शायद कापूस करते होंगे, आपने कापूस में एक बीज का नाम सुना होगा ना, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन। ये बीटी कॉटन पेटेंटेड सीड है और इसी तरह से हमारे देश के बाजार में आया। परिणाम क्या हुआ कि जो सामान्य रूप से कॉटन का बीज हमें मिलता था, अभी वो 10 पट, 15 पट, 20 पट, 25 पट, 30 पट महंगा हो गया बीटी कॉटन के नाम। और अब ये जो मल्टीनेशनल बीज बेचते हैं बीटी कॉटन का, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कॉटन के बीज में जंतु बहुत लगते हैं, कीट बहुत लगते हैं, हमने बीटी कॉटन ऐसा बीज बनाया जिसमें जंतु ही नहीं लगेगा, कीट ही नहीं लगेगा। मतलब उस बीज को इतना जहरीला कर दिया कि उसमें कोई जंतु और कीट नहीं आएगा। और वो जहरीला बीज जब आप खेत में डालेंगे और खेत में से उसका कॉटन उत्पन्न होगा और गलती से आपकी गाय और भैंस उस खेत में चली गई, तो वो तुरंत वहीं बैठ जाएगी और 2-3 दिन के बाद वो वहीं मर जाएगी, उठकर नहीं आ सकती। मैं संपूर्ण भारत देश में प्रवास करता हूं। पिछले साल में हरियाणा और पंजाब में 1 महीने के प्रवास पे था, तो हरियाणा में और पंजाब में मैंने 2 जिले देखे। एक जलंधर जिला देखा पंजाब में और हरियाणा में पानीपत। जलंधर जिले के सैकड़ों गांव में जहां बीटी कॉटन किसानों ने लगाया, वो किसान मुझे अपना खेत दिखाने के लिए ले गए, तो उन किसानों ने मुझे परीक्षण करके बताया। एक खेत में मैं खड़ा था जलंधर से 30 किलोमीटर दूर एक गाँव में, एक शेतकरी आया, उसने कहा देखो ये कितना जहरीला खेत बीज है बीटी कॉटन का। फसल खड़ी हुई थी उस खेत में, उसने मार मार के जबरदस्ती से एक भैंस को अंदर डाल दिया शेत में, वो जा नहीं रही थी लेकिन धक्का दे दे के डाल दिया। थोड़ी देर के बाद वो भैंस चलते चलते बैठ गई, फिर वो मुझे भैंस के पास लेके गया। भैंस को बैठने के बाद मैंने देखा उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई, गर्दन टेढ़ी हो गई, तो उसने अब शेतकरी ने कहा अब ये उठेगी नहीं यहां से। मैंने कहा क्यों, उसने कहा अब ये गई। हम रात को उसके घर में जाके सो गए, सवेरे आके देखा तो भैंस बिल्कुल बेहोश पड़ी थी और दूसरे दिन आके देखा तो वो भैंस मरी हुई थी। वो शेतकरी ने कहा कि मेरे गांव में सैकड़ों भैंसे ऐसे मरी हैं, बीटी कॉटन के खेत में भैंस घुस गई, जिंदा वापस नहीं लौटी। बीटी कॉटन के खेत में अगर कोई गाय घुस गई, जिंदा वापस नहीं लौटी, बकरी घुस गई, जिंदा वापस नहीं लौटी। इतना खतरनाक, इतना जहरीला बीज ये बीटी कॉटन के नाम पर सारे देश में भेजा गया। शेतकरी को ये उल्लू बनाया, मूर्ख बनाया कि इससे उत्पन्न जास्ती मिलेगा, लेकिन शेतकरी को यह नहीं बताया कि जो उत्पन्न जास्ती मिलेगा वो जास्ती खर्चे के बाद मिलेगा। पहले कॉटन उत्पन्न करने का जो खर्चा आता था उससे खर्चा अब दुप्पट और 3 पट हो गया, तो खर्चा आपका दुप्पट और 3 पट करा दिया, फिर उसके बाद उत्पन्न थोड़ा जास्ती मिला तो आप उस तरह से घाटे में ही रहे, कोई फायदा नहीं हुआ उसमें। और जो जो शेतकरी ने बीटी कॉटन लगाया आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, वो सब शेतकरी अभी रो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। एक तो उनके जानवर बीमार हो रहे हैं, दूसरा उनके खेत की मिट्टी पहले से ज्यादा तकलीफ हो गई है। मराठी का एक शब्द इस्तेमाल करूं तो मिट्टी नापीक होना शुरू हो गई है। ये WTO के खतरे हैं और धोखे हैं हमारे देश में। अब कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आएगी, कोई भी बीज लाएगी। अब एक अमेरिकन कंपनी आ रही है, वो बीटी कॉटन की तरह से बीटी ब्रिंजल लेके आ रही है, बीटी बैंगन, बैंगन को बीटी बना दिया। अब वो बैंगन बाजार में आएगा, आप शेतकरी अपने गांव में खेत में उसे लगाएंगे, माटी आपकी नापीक होगी और वो बैंगन आपने गलती से खा लिया भाजीपाले के रूप में, सब्जी के रूप में, तो आपका शरीर भी नापीक हो जाए। दुनिया के जिन देशों में बीटी ब्रिंजल को बैन किया गया, वहां के लोगों का कहना है और वैज्ञानिकों का कहना है कि जो जो देश में बीटी ब्रिंजल चला, नपुंसकता सबसे ज्यादा बढ़ी, लोगों ने जिसने भी खाया नपुंसकता बढ़ी। अब फिर बीटी टमाटर लाने की बात कर रहे हैं, फिर बीटी पटेटो माने बीटी बटाटा लाने की बात कर रहे हैं, तो बीटी बना बनाकर सारे भाजीपाले को हिंदुस्तान में लाने की तैयारी बहुत सारे मल्टीनेशनल्स कर रहे हैं। तो एक तरफ शेतकरी समाज को तकलीफ, हमारी माटी को नापीक बनाने की साजिश या षड्यंत्र, और दूसरी तरफ खेत का जो उत्पन्न बढ़े उससे भी ज्यादा उसका खर्चा बढ़े, हमारे देश में ये चल रहा है। और एक छोटी सी आखिरी बात और कहता हूं कि WTO जब से आया 1995 से, तब से मैंने भाव देखना शुरू किया, एक एक साल का भाव मैंने इकट्ठा किया।
WTO 1995 में 1 जनवरी से शुरू हुआ, हमारे देश में यूरिया और डीएपी का भाव बढ़ना शुरू हो गया WTO के बाद। 1995 के आंकड़े बताता हूं, 1994 दिसंबर तक हमारे देश में 50 किलो यूरिया था 70 रुपए का, 70 रुपीज पर बैग, 50 किलो का यूरिया का बैग 70 रुपए का। WTO आने के बाद हमारे देश की सरकार ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों सब्सिडीज को कट करने का जो प्रयास किया शेतकरी समाज की, यूरिया डीएपी की सब्सिडीज भी कम हुई शेतकरी समाज के लिए, तो अब वही यूरिया 70 रुपए का जो 50 किलो था अब 275 रुपए का 50 किलो है 2009 में। तो यूरिया का भाव बढ़ गया, कम से कम अगर आप 70 रुपए का 140 में लो दो पट हो, और 70 रुपए का आप अगर 180 में लेते हो तीन पट हो गया, 70 रुपए का अगर आप 250 260 270 में लेते हो चार पट यूरिया का भाव बढ़ा दिया सरकार ने WTO की कंडीशन से। फिर डीएपी का भाव उससे भी ज्यादा हो गया, डीएपी तो करीब 8 से 9 पट महंगा हो गया। जब WTO लागू हुआ था हमारे देश में तो 1 लीटर डीजल था 17.35 रुपए का, अब 1 लीटर डीजल है 35 रुपए का, माने डीजल का भाव दुप्पट हो गया WTO के आने के बाद। अब शेतकरी जो सबसे ज्यादा वापरता है वो यूरिया, दूसरे नंबर पर डीएपी, तीसरे नंबर पर डीजल, तो यूरिया डीएपी डीजल जो शेतकरी का सबसे जास्ती खर्चा है वही 4 पट 8 से 10 पट और दुप्पट महंगा हो, तो शेतकरी का खर्चा भी 4 पट 8 से 10 पट महंगा हो गया, खर्चा जास्ती हो गया, महंगा जास्ती हो गई खेती, यूरिया डीएपी महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो खेती का उत्पन्न खर्चा ज्यादा हो गया, लागत खर्च ज्यादा हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, और अंतरराष्ट्रीय बाजार से सस्ती खेती वस्तुएं आने लगी। मैंने आपसे कहा WTO की कंडीशन पहले ऐसी थी, मैंने पहले WTO नहीं था तो बाहर से आने वाले श्वेत उत्पन्न पर हम टैक्स लगा के उसको महंगा बनाते थे, अब WTO की शर्तों के बाद बाहर से आने वाले खेती के उत्पन्न पर जास्ती टैक्स नहीं लगा सकते, वो जास्ती महंगा नहीं हो सकता, वो सस्ता के बाजार में बिकता है, तो भारत के शेतकरी का श्वेत उत्पन्न महंगा और बाहर से आने वाले शेतकरी अमेरिका यूरोप के शेतकरी का श्वेत उत्पन्न सस्ता, तो सस्ता श्वेत उत्पन्न भारत के बाजार में आके ज्यादा बिकेगा, तो शेतकरी अपने का उत्पन्न कम बिकेगा, तो वही उत्पन्न कम बिकने से खेती का जो लागत, खेती का जो विकास दर है जो WTO आने के पहले 4.8% था, अब वो विकास दर 4% से भी कम है, 2009 तक आते आते वो 3% रह जाएगा, माने शेतकरी समाज और ज्यादा गरीब 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 और गरीब होता चला जाएगा। तो हमारी सरकार तो WTO की नीतियों में ऐसी फंसी है जो शेतकरी समाज को ज्यादा गरीब बना रही है और शेतकरी समाज की तकलीफें ज्यादा बढ़ा रही है। तो आप बोलेंगे अब क्या करना चाहिए, तो मैं मेरे व्याख्यान के अंत में यही आपसे कहना चाहता हूं कि सारे शेतकरी समाज को मिलकर अभी दो काम करने चाहिए। पहला काम तो यह करना चाहिए कि जो सरकारों ने WTO एग्रीमेंट किया, जिन सरकारों ने WTO की शर्तों को हमारे शेतकरी समाज पर लाद दिया, ऐसी सरकारों को सबक सिखाना चाहिए, ऐसे नेताओं को, ऐसे पुढ़ारियों को सबक सिखाना चाहिए जिन्होंने WTO इस देश के ऊपर थोप दिया और इस देश के शेतकरी को मरने के लिए स्थिति में डाल दिया, आत्महत्या करने की स्थिति में डाल दिया। ये सोचिए आप कितनी विडंबना है कि लोगों का पेट भरने वाला शेतकरी खुद भूखा रह जाए और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, सारे देश का पेट भरने वाला शेतकरी खुद भूखा रहे और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो, बेवश हो, ये कितनी बड़ी विडंबना है जो इस देश की आजादी के 60 साल में हमको देखनी पड़ रही है। ये उस देश में देखनी पड़ रही है जिस देश में खेती की प्रधानता हमेशा से रही है, ये उस देश में देखनी पड़ रही है जहां के प्रधानमंत्रियों ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है, उस देश के किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। तो अभी तो दो ही काम है जो कर सकते हैं आप और उसको रास्ते को ठीक कर सकते हैं, बदल सकते हैं इन परिस्थितियों को। पहला तो हमारी सरकारों के ऊपर दबाव बनाना कि ये जो WTO एग्रीमेंट है, ये जो गैट करार है, या तो इसकी शर्तों को बदलो नहीं तो गैट करार को रद्द करो, हमें ये नहीं चाहिए। अगर इसकी शर्तें नहीं बदलती हैं तो जिन शर्तों पर गैट करार लागू है ये तो हमें नहीं चाहिए, ये समाज के बीच में से आवाज आने की जरूरत है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस आधार पर हमारे देश में बड़े आंदोलन करने की जरूरत है,
और बड़े आंदोलन वो कौन करेगा, वो आप सब मिलकर शेतकरी समाज के लोग ही करेंगे, हम सब उसमें सहयोग करेंगे, हम सब उसमें सहभागी बनेंगे। तो शेतकरी समाज के बीच में से ये आवाज आनी चाहिए कि WTO करार की शेती विषय की जो शर्तें हैं, इन शर्तों को या तो पूरी तरह से बदल दो, नहीं तो गैट करार को रद्द कर दो, हमें ये नहीं चाहिए। तब आप बोलेंगे अगर हम गैट करार रद्द कर देंगे तो सारी दुनिया में अकेले पड़ जाएंगे, अलग थलग हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको माहिती के लिए बताता हूं, गैट करार एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है, बहुपक्षीय समझौता है, जिसमें बहुत सारे देशों के साथ मिलकर एक साथ व्यापार किया जाता है। दूसरा व्यापार का और एक रास्ता है दुनिया में, एक तो व्यापार होता है वो मल्टीलेटरल है, बहुपक्षीय है, एक तो व्यापार होता है वो बाइलेटरल है, द्विपक्षीय है। तो हम मल्टीलेटरल व्यापार नहीं करेंगे, बाइलेटरल करेंगे, इसमें तकलीफ क्या है? और हमारा बाइलेटरल व्यापार मल्टीलेटरल से ज्यादा अच्छा होगा। द्विपक्षीय समझौते करेंगे, एक एक देश के साथ समझौते करके व्यापार करेंगे, कैसे होगा? मान लीजिए हमारे देश में बहुत जास्ती मात्रा में चाय उत्पन्न होती है, कॉफी उत्पन्न होती है, और यूरोप के देशों में चाय और कॉफी की बहुत ज्यादा जरूरत है लेकिन उनके यहां उत्पन्न नहीं होती है, तो हमारी चाय कॉफी का व्यापार हम यूरोप के देशों के साथ द्विपक्षीय स्तर पर करेंगे और उसमें हमारा रेट फिक्स करेंगे, ना कि उनके रेट पर बेचेंगे, क्योंकि हमें गरज नहीं है, उन्हें गरज है हमारी चाय और कॉफी की। अगर यूरोप के देशों को भारत की चाय कॉफी पीने को नहीं मिलेगी तो वो मर जाएंगे, क्योंकि ठंडी इतनी ज्यादा है उस देश में कि उनका ब्लड प्रेशर इतना लो हो जाता है और उसमें मृत्यु की संभावना सबसे तीव्र हो जाती है। इसी तरह से और एक उदाहरण देता हूं, तिलहन हमारे देश में सबसे अच्छी क्वालिटी का है पूरी दुनिया में, इतना अच्छा तिल जो भारत में होता कहीं नहीं होता, और सारे अरब देशों में तिल का तेल खाने की परंपरा है, तिल का तेल खाते हैं, खजूर का तेल खाते हैं, नारियल का तेल खाते हैं। तो जिन देशों को तिल का तेल चाहिए और हमारे पास तिल बहुत अधिक मात्रा में हो, तो हम भाव तय करके द्विपक्षीय आधार पर समझौता करके वो तेल बेचेंगे, उसमें भाव भी अच्छा मिलेगा और हमारी इज्जत और सम्मान भी ज्यादा बढ़ेगा दुनिया। तो मेरा यह कहना है कि मल्टीलेटरल व्यापार का जो समझौता WTO है, इसको खत्म करके बाइलेटरल तरीके से, द्विपक्षीय तरीके से हम व्यापार के समझौते कर सकते हैं और एक एक देश के साथ एक एक समझौता करके हमारी वस्तुओं को ज्यादा अच्छे भाव पर बेच सकते हैं। तो हमको WTO की तो वैसे कोई जरूरत नहीं है, हम द्विपक्षीय आधार पर व्यापार दुनिया में कर सकते हैं। और दूसरी जानकारी, अगर WTO हम खत्म करा देते हैं तो भारत के बाजार में क्या फायदा होगा? बर्मा की दाल बिकना बंद हो जाएगी भारत के बाजार में, अमेरिका का सेब बिकना बंद हो जाएगा, न्यूजीलैंड का केला बिकना बंद हो जाएगा, अमेरिका की कापूस आना बिकना बंद हो जाएगी, यहां पर कनाडा का गेहूं आकर बिकना बंद हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का गेहूं आकर नहीं बिकेगा, माने परदेशी शेती वस्तुएं भारत के बाजार में बिकना कम हो जाएंगे। परिणाम क्या होगा? भारत के शेत बाजार में भारत की स्वदेशी वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी और जैसे ही स्वदेशी वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी तो स्वदेशी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी और शेतकरी समाज को जास्ती लाभ मिलेगा। मैंने एक सीधा सा हिसाब निकाला कि आज अगर हम WTO को कैंसिल कर दें, बिकना बंद हो जाए भारत के शेत बाजार में, भारत के मार्केट में विदेशी कापूस ना बिके, तो अभी विदर्भ के शेतकरी का कापूस 5 से 5,500 रुपए क्विंटल का भाव आराम से हो जाएगा, अभी आज की तारीख। विदेशी कापूस जैसे ही खत्म होगा भारत के बाजार से, देशी कापूस को 5 से 5,500 रुपए क्विंटल का भाव सीधे हो जाता है। विदेशी गेहूं अगर भारत के बाजार में आकर बिकना बंद हो जाए तो देशी गेहूं को भाव वैसे ही 2,000 रुपए क्विंटल हो जाता है, जो अभी 1,100 रुपए क्विंटल भी नहीं। विदेशी चावल अगर आकर बिकना बंद हो जाए, फिलीपींस का चावल यहां ना बिके, तो भारत के चावल का भाव 1400 से 1500 रुपए क्विंटल सीधे हो जाता, दुप्पट भाव हो जाता। गेहूं का भाव दुप्पट, चावल का भाव दुप्पट, आपके कापूस का भाव दुप्पट, आपका जो केला है उसका भाव दुप्पट, सफरचंद का भाव दुप्पट, आपकी जो भी शेत वस्तुएं हैं वो दुप्पट से 3 पट भाव पर तो आज हो जाएंगी अगर विदेश से आने वाली वस्तुओं को बंद कर दिया जाए इस देश में। और विदेशी शेत वस्तुओं को जैसे ही हम बंद करेंगे तो भारत के शेतकरी की वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, वो एक बात होगी, और दूसरी बात ये होगी कि भारत के शेतकरी को जब ज्यादा भाव मिलने लगेगा तो वो शेती अपने आप उस दिशा में करना ज्यादा शुरू करेगा। अगर कापूस को 5,000 रुपए क्विंटल भाव हो जाए, अपने आप कापूस उत्पन्न करने का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा इस देश में। अगर गेहूं को भाव 2,500-2,500 रुपए क्विंटल हो जाए, गेहूं ज्यादा करना अपने आप शुरू कर देंगे शेतकरी।
अगर चावल को भाव ज्यादा हो गया तो चावल ज्यादा अपने आप ही शुरू हो जाएगा। तिलहन को भाव ज्यादा हो जाए, दलहन को भाव ज्यादा हो जाए, दलहन का क्षेत्रफल बढ़ता है, तिलहन का क्षेत्रफल बढ़ता है। ये सरकार ने कई बार स्टडी कराई है कि 1-2% भाव में जब बढ़ोतरी होती है तो 1 कोटी हेक्टेयर ज्यादा खेती होने लगती है। हमारे कृषि मंत्रालय का एक रिसर्च है, एक सर्वे है कि 1-2% भाव बढ़ जाए, सॉरी 1-2% भाव में बढ़ोतरी हो जाए, 1 कोटी हेक्टेयर खेती ज्यादा होने लगती है। अगर 8-10% भाव ज्यादा हो जाए तो आप सोचो कितने कोटी हेक्टेयर जास्ती खेती इस देश में होने लगती है। तो खेती जास्ती होती है, क्षेत्रफल ज्यादा होता है खेती का, और ज्यादा लोगों को उसमें रोजगार मिलता है। और एक तीसरा फायदा होता है, अगर WTO की शर्तों को हम रद्द कर दें और हिंदुस्तान की सरकार ये तय करे और हम उनको दबाव डालें कि 1995 में जब आपने WTO लागू किया था उस समय खेती का जो लागत खर्च था उसी लागत खर्च पर खेती को ले जाकर फिक्स कर दो, तो यूरिया आपको फिर से 70 रुपए का 50 किलो मिलता है, DAP आपको बड़े आराम से, बहुत आराम से 8-10 रुपए का 1 किलो मिल जाता है, जो इस समय 22-25 रुपए किलो है। यूरिया DAP का भाव 4 पट सस्ता होता है, DAP का भाव 8-10 पट सस्ता होता है, डीजल पेट्रोल का भाव कम से कम 2 पट सस्ता होता है। तो ये सब चीजें सस्ती होती हैं, यूरिया सस्ता, DAP सस्ता, सुपर फॉस्फेट सस्ता, फिर डीजल सस्ता, तो खेती का लागत खर्च कम होता है। लागत खर्च कम होता है और बाजार में कीमत जास्ती मिलती है तो किसानों को दोहरा फायदा होता है, दो तरफ से प्रॉफिट होता है। एक तो बढ़े हुए कीमत पर माल बेचना, वो एक फायदा, और दूसरा लागत और खर्च लगातार कम हो जाना, दूसरा फायदा। और हमारे देश में और सारी दुनिया में ये माना जाता है कि खर्चा जितना कम होता है आमदनी उतनी ही बढ़ती जाती है। शेतकरी समाज का खर्चा जितना कम होगा आमदनी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो WTO करार को रद्द करने से इतने सारे फायदे हमारे शेतकरी समाज को होते हैं। और मेरा मानना है कि कापूस 5,000 रुपए क्विंटल, गेहूं 2,500 रुपए क्विंटल और चावल 1,500-2,000 रुपए क्विंटल बिकने लगे और हर क्षेत्र वस्तु का उत्पन्न आधा आधा खर्चा कम हो जाए और माल का भाव दुप्पट बढ़ जाए, सब शेतकरी श्रीमंत होते जाए, एक भी शेतकरी आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना हो इस देश, ये एक तरीका है। दूसरा एक तरीका है कि अगर WTO कैंसिल नहीं होता, भारत सरकार उसको लागू रखती है और भारत सरकार कहती है कि हम तो इसको कैंसिल नहीं करेंगे, तब आप शेतकरी समाज मिलकर एक फैसला करो कि हम ऐसे पुढ़ारियों को संसद में और विधानसभा में चुनकर भेजेंगे जो इस WTO को कैंसिल करने की बात करेंगे। जो पुढ़ारी, जो नेता WTO की खिलाफत नहीं करते, जो WTO को रद्द करने की बात नहीं करते, उन सब पुढ़ारियों को इस बार के चुनाव में सबक सिखाएंगे, आप एक ही बात तय कर लो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा इस देश में। आप जानते हैं हमारे देश में 64 कोटी वोट हैं, 64 कोटी मतदान करने वाले नागरिक हैं। अब 64 कोटी मतदान करने वाले नागरिकों में 80% नागरिक शेतकरी समाज के हैं, 80%। अगर ये 80% शेतकरी समाज के नागरिक ये तय कर लें कि हम मतदान उसी पुढ़ारी को करेंगे, उसी नेता को मतदान देंगे जो WTO को रद्द कराएगा, और WTO को रद्द कराने का माने शेतकरी समाज की समृद्धि और संपत्ति को दुप्पट बनाना, 3 पट बनाना, तो जो शेतकरी समाज को समृद्धशाली बनाएगा 2 पट और 3 पट, और WTO को रद्द कराएगा, ऐसे पुढ़ारी को वोट करेंगे, ऐसे पुढ़ारी को मत देंगे, तो आप देख लो अगली बार की लोकसभा बदल जाएगी, अगली सवार की विधानसभा बदल जाएगी, पूरी तस्वीर बदल जाएगी। आप बोलेंगे ऐसे पुढ़ारी आएंगे कहां से, आपके बीच में से आएंगे। ये मंच पे हमारे रवि भाई राणा बैठे हैं, हम सब लोग इनको कह रहे हैं कि आप तैयारी करो, और तैयारी करो गंभीरता से, तैयारी करो, विधानसभा में जाओ नहीं तो लोकसभा में जाओ, और अपने जैसे 350 खासदारों को लोकसभा में लेके जाओ, और अपने जैसे 480 आमदारों को विधानसभा में लेके जाओ। ये रवि राणा एक है, इनके जैसे 480 आमदार नहीं मिलेंगे पूरे महाराष्ट्र में, खूब मिलेंगे, जो बेईमान नहीं है, जो चोर नहीं है, लंपट नहीं है, उचक्के नहीं है, शराबी नहीं है, कबाबी नहीं है, ऐसे तो बहुत लोग मिलेंगे। रवि राणा में तो कम से कम इतने दुर्गुण तो नहीं है, शराब वो पीते नहीं, दारू पीते नहीं, मांस खाते नहीं, लंपट है नहीं, चोरी कभी की नहीं, जेल कभी गए नहीं, पुलिस के अपराध में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं, तो ऐसे ईमानदार स्वच्छ छवि वाले लोग 480 हमको चाहिए,
पूरे महाराष्ट्र की लोक संख्या है 10 कोटी की, 10 कोटी में 480 नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। बस हमें करना क्या है कि ये रवि राणा हुए, ऐसे 479 और इकट्ठे करके एक साथ इनको विधानसभा में भेज देना। तो आप बोलेंगे फिर क्या होगा, महाराष्ट्र की विधानसभा में अगर 480 आमदार ऐसे जाते हैं जो गैट करार का विरोध करते हैं और एक विधानसभा इस गैट करार को रद्द कर दे, तो भारत सरकार की ताकत नहीं है जो पूरे देश को उसको लागू कर दे, क्योंकि ये संविधान हमारा ऐसा कहता है। हमारे संविधान में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत की विधानसभाओं ने अगर गैट करार को अमान्य किया, रद्द किया, कैंसिल किया, तो सरकार लागू नहीं करा सकती, क्योंकि भारत एक फेडरल स्टेट है, संघीय राज्य है, जिसमें विधानसभाओं की भी ताकत लोकसभा के बराबर है। तो अभी तो लोकसभा का चुनाव आ रहा है 2 महीने के बाद, तो 2 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव आएगा और आपके मतदान संघ से, मतदार संघ से जो भी व्यक्ति खासदार है उसको आप सीधे सवाल पूछोगे, देखो भाई 13 साल से ये गैट करार हमारे देश में आया, आपने गैट करार को रद्द करने के लिए पिछले 13 साल में क्या किया और आने वाले 5 साल में आप क्या करेंगे, तभी हमारा वोट आपको मिलेगा। जिस दिन आपने वोट को गैट करार के सवाल से जोड़ दिया, उसी दिन खासदारों को झक मार के कहना पड़ेगा कि हाँ हम गैट करार को रद्द करेंगे। अगर तुम रद्द करोगे तो स्टाम्प पेपर पे लिख के दो, पूरे पब्लिक के सामने घोषणा करो कि मैं लोकसभा में जाने के बाद गैट करार को रद्द कराने के लिए काम करूंगा, और अगर तुमने नहीं कराया तो तुमको वापस बुला के किसी दूसरे को भेजेंगे हम गैट करार को रद्द कराने के लिए। ये नहीं कि 5 साल तुमको चुनकर भेज दिया तो 5 साल हम चुप बैठ जाएंगे, तुमने अगर काम नहीं किया तो तुमको वापस बुलाएंगे, दूसरे को भेज देंगे, तीसरे को भेज देंगे। तो गैट करार को रद्द कराने वाले खासदार चाहिए लोकसभा में, गैट करार को रद्द कराने वाले आमदार चाहिए विधानसभा में। और अब की बार के चुनाव में आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो लोग गैट करार का विरोध करते हैं, जो मल्टीनेशनल का विरोध करते हैं, जो विदेशी कंपनियों का विरोध करते हैं, भारत के शेतकरी समाज को समृद्ध बनाना चाहते हैं, खेती को संपन्न बनाना चाहते हैं, उन्हीं को वोट करिए। और मेरा आपको हाथ जोड़कर निवेदन है कि वोट करते समय पक्ष को ध्यान में मत रखिए, व्यक्ति को ध्यान में रखिए, क्योंकि पक्ष कई बार बेईमान हो जाते हैं। हम पक्षों को एक बात के लिए चुनकर भेजते हैं कि इस काम को करने के लिए जा रहे हैं, जब वो वहां पहुंच जाते कहते हैं ये नहीं हो सकता कुछ और बताओ, ये नहीं हो सकता कुछ और बताओ, फिर वो अपने मूल मुद्दे सब भूल जाते हैं, फालतू काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए पक्षों को वोट मत करिए, व्यक्तियों को वोट करिए। कोई बहुत अच्छा कामदार है, कोई बहुत अच्छा खासदार है, लेकिन उसका पक्ष खराब है, तो भी आप उस आमदार और खासदार को वोट करिए, क्योंकि पक्ष को आपने अगर वोट किया तो पक्ष तो नागनाथ और सांपनाथ हैं, दोनों ही डसेंगे, चाहे जिससे डसवा लो अपने आप। आजादी के 60 साल में यही हुआ है, इसलिए व्यक्तियों को चुनिए। और व्यक्तियों को चुनते समय उनकी कुछ विशेषताएं हैं जो ध्यान में रखिए कि वो व्यक्ति कितना ईमानदार है, कितना चरित्रवान है, रात को रोज दारू पी के तो नहीं सोता है, रात को कोई खराब काम तो नहीं करता है, गलत काम तो नहीं करता है, पर स्त्री गमन तो नहीं करता, पर वेश्यागमन तो नहीं करता। ऐसी बातों को चुनकर अगर आप ध्यान देंगे तो अच्छे लोग चुनकर जाएंगे, और अच्छे लोग हमेशा अच्छे ही काम करते हैं, बुरे लोगों को चुनकर भेजेंगे वो बुरे काम ही करेंगे। अभी तो आप ऐसा चुनाव करते हैं कि एक व्यक्ति है उसने 100 मर्डर किए हैं, दूसरे ने 90 मर्डर किए, आप 90 वाले को वोट दे देते हैं, वो 90 वाला जब चुनकर जाता है तो वो 150 मर्डर करा देता है, वो उसका बाप निकलता है पिछले वाले का। ऐसा चुनाव बंद कर दीजिए। और स्वामी रामदेव जी ने अभी भारत स्वाभिमान करके अभियान शुरू किया है, उसका तो ये मुद्दा है, ईमानदार, चरित्रवान, पारदर्शी, साहसी, पराक्रमी, ये 5 सूत्र हैं, ईमानदार, चरित्रवान, साहसी, पराक्रमी और पारदर्शी। ऐसे गुण जिसमें भी हैं वो सबको चुनवाकर संसद में भेजना, लोकसभा में, विधानसभा में भेजना, इसके लिए भारत स्वाभिमान मंच बना दिया, अभियान शुरू कर दिया उन्होंने। मैं उसी अभियान का एक कार्य करने वाला व्यक्ति हूं, हमारे रवि भाई राणा भी उस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ बहुत सारे जो पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ता बैठे होंगे वो भी उस अभियान के अंग हैं। तो इस अभियान को लेकर 2 साल स्वामी रामदेव जी और मैं भारत के 600 जिलों का प्रवास करने जा रहे हैं,
और 600 जिलों का प्रवास करके हर जगह एक ही बात कहने जा रहे हैं कि आपके मतदान के समय ध्यान दीजिए, वोट देते समय ऐसे व्यक्तियों को जो विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करते हो, गेट करार को रद्द कराने की बात करते हो, अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए कानूनों को खत्म कराने की बात करते हो, ऐसे 15-20 मुद्दे तय हुए हैं, उसके आधार पर आप वोट करिए। और ये बात कहने के लिए स्वयं रामदेव जी जाने वाले हैं 600 जिलों में, मैं जाने वाला हूं और ऐसे दूसरे भी साधु संत जाने वाले हैं 600 जिलों। आपको सुनकर हैरानी होगी, श्री श्री रविशंकर जी उनका पत्र आ गया कि हम आपके साथ इस पूरे अभियान में हैं। हमारे देश के महामंडलेश्वर बहुत 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 पूजनीय सत्यमित्रानंद जी गिरी, वो परसों हमारे साथ थे हरिद्वार में, उनका पूरा आशीर्वाद है कि अगर ये काम के लिए आप निकलते हैं तो मैं भी आपके साथ। मुरारी बापू जी का संपूर्ण आशीर्वाद इस बात के लिए। 15 बड़े साधु संत जिनके एक एक के एक एक कोटि से ज्यादा फॉलोअर हैं, एक एक कोटि।